हेलो बैकबेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस इफेक्टिव स्ट्रेस समझने के लिए पहले ये चीज़ देखो कि हमारे पास कोई भी सॉइल मास होता है तो उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सॉलिड और दूसरा होता है वॉइड। तो अब जो वॉइड होता है इसके अंदर हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है और एयर भी प्रेजेंट होता है। पर जो वाटर जो हमारे पास होता है, वाटर जो होता है वो क्या करता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी इफेक्ट करता है, एनहेंस भी कर सकता है या फिर उसे कम भी कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिक्रीज भी कर सकता है। तो अब जो हम इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ते हैं तो वो भी हम वाटर के ऊपर ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है जो सॉइल होती है उसमें वाटर मिलाएंगे तो सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हम सिर्फ सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही पढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल दिया था टर्जागी ने, और उसने ये बताया था कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सिर्फ हम सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही करते हैं। तो देखो, अब ये दो पाई, ये हमारे पास कोई भी सॉइल मास है, सपोज करो ये, इसमें हमारे पास दो सॉइल है, सॉइल वन और सॉइल टू। तो अब इसके अंदर हमें किसी एक पॉइंट पर, ये तीन पॉइंट आते हैं हमारे पास यहाँ पर, एक दो और तीन, किसी भी पॉइंट पर हमें अगर स्ट्रेस निकालना हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, स्ट्रेस का फोर जो हमारा सॉइल का यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, वैल्यू डालो एक बार, वेट अपॉन एरिया इंटू हाइट, ये क्या बन जाता है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेस। वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो ये क्या बन गया, स्ट्रेस इंटू सॉरी स्ट्रेस अपॉन हाइट। तो अगर स्ट्रेस अपॉन हाइट बन गया तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डॉट एच सॉरी गामा डॉट एच, मतलब स्ट्रेस, अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पर स्ट्रेस चाहिए तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, उस चीज़ का जिसकी वजह से स्ट्रेस लग रहा है उसका यूनिट वेट प्लस उसकी जो हाइट होती है वो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम तीनों पर स्ट्रेस निकाल के देखते हैं। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पर सॉइल वन सॉइल टू हो गई, सॉइल वन की हाइट हो गई एच वन, सॉइल टू की हाइट हो गई एच टू, वन टू थ्री, यहाँ पर तीन पॉइंट है, पॉइंट वन पॉइंट टू और पॉइंट थ्री। तो अब सबसे पहले अगर हम पॉइंट वन पर हम अगर स्ट्रेस निकाले तो पॉइंट वन पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा किसी भी टाइप का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो, कोई फोर्स नहीं है, कोई वेट नहीं है किसी भी टाइप का जिसकी वजह से हम स्ट्रेस निकाल पाए। तो ये क्या हो जाएगा, गामा एच, तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, जीरो, इसकी भी वैल्यू क्या है, जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस वजह से जीरो हो गया सिग्मा वन। अब पॉइंट एट पॉइंट टू निकालें तो सिग्मा टू क्या हो जाएगा, गामा वन, मतलब पॉइंट टू पर किसकी वजह से लग रहा है, सॉइल वन की वजह से, तो सॉइल वन की वजह से लग रहा है तो यूनिट वेट जो है सॉइल वन का तो वो गामा वन से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइट क्या है इसकी, एच वन। तो ये क्या हो गई, सिग्मा टू की वैल्यू गामा वन एच वन। अब एट पॉइंट थ्री निकालते हैं, अब पॉइंट थ्री निकाले तो पॉइंट थ्री पर इस पॉइंट पर इस जगह पर बॉटम पे यहां पर स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है, सॉइल वन और सॉइल टू की वजह से हमारे पास यहां पर स्ट्रेस आ रहा है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब गामा वन एच वन प्लस गामा टू एच टू, तो ये पॉइंट थ्री पर स्ट्रेस आ गया। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पर कोई लोड आ रहा होता एफ का, एफ वैल्यू का हमारे पास कोई लोड आता होता, एक्सटर्नल लोड हमारे पास कोई आता। देखो, जब तक एक्सटर्नल लोड हमें दिया हुआ नहीं होगा तब तक हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब जब यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हमें एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है तो फिर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्सटर्नल लोड दिया हुआ होगा तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, एफ की वजह से स्ट्रेस क्या लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया प्लस गामा एच वन, गामा वन एच वन प्लस गामा टू एच टू। तो ये हमारे पास आ गई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। तो अब उस सॉइल पर, तो सॉइल मास पर तो हमने टोटल स्ट्रेस निकाल लिया, पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए,
तो टोटल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमने निकाल लिया है कि देखो जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच में लगने वाला स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस दो पॉइंट हो या दो लेयर हो तो उनके बीच में हमने जो स्ट्रेस निकालते हैं वो होता है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है, पहला होता है हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर और दूसरा हमारे पास होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो जो पहला है जो वो है हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर। तो इसको समझने के लिए देखो हमारे पास कोई सॉइल मास है, तो सॉइल मास के अंदर वॉइड्स में जो ये सॉलिड हो गए, अब इसके अंदर जो वॉइड्स है उसमें जो हमारा वाटर प्रेजेंट है तो वाटर की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होता है वो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर। तो इसे मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हमें सिंपली इसके अंदर एक पीजोमीटर ट्यूब इंसर्ट करते हैं। अब पीजोमीटर ट्यूब के अंदर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो जितना हमारे पास यहाँ पर वाटर राइज होगा तो उस वाटर की हाइट हम ले लेंगे और स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर के लिए वाटर का यूनिट वेट इंटू रेज्ड हाइट ऑफ वाटर। तो ये तो हमारे पास हो गया हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर। तो देखो यूनिट वेट तो वाटर तो निकालेंगे और जो हाइट जो हमारे पास है पीजोमीटर की आएगी वो उतना हमारे पास इसके अंदर एक्सेस पोर जो वाटर प्रेशर है, तो इतने वाटर की वजह से हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर लगा हुआ है। तो अगला हम देखें तो वो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, हमारे पास जो कोई भी सोइल मास होता है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ होता है, क्या लगा होता है, एक्सटर्नल लोड। तो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी हमारे पास प्रेशर आता है जनरेट होता है उसे हम कहते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू यू ई। तो ये जो एक्सटर्नल पोर वाटर प्रेशर होता है ये क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है, मतलब टाइम इज इन प्रोपोर्शनल टू यू ई। तो जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्सटर्नल लोड के इक्वल आ जाएगी, तो इस तरीके से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकल जाएगी और टोटल पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, यू इज इक्वल्स टू यू ई प्लस यू एच। तो देखो तो नॉर्मली हम सिर्फ यही कैलकुलेट करेंगे जब तक कि हमारे पास कोई भी एक्सेस हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लोड हमारे पास सॉइल के ऊपर नहीं लगा हुआ हो। तो अब बात करते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस की, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रेस निकाला है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं निकाला है, क्योंकि देखो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ स्ट्रेस होता है। अब पार्टिकल्स के बीच तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इतना है नहीं कि हम दो पार्टिकल्स के बीच में फाइन जाके उनके दो स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब वैल्यू जो है हम वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जो टोटल स्ट्रेस है इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर है। तो यहां से अगर हम देखें तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा माइनस यू, ये तो यू हो गया और ये सिग्मा बार, तो सिग्मा बार माइनस यू, ये हमारे पास हो गई इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। तो अब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से हमारे पास सोइल के अंदर एक कंडीशन निकल कर आती है, उसको कहते हैं हम क्विक सैंड कंडीशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सोइल मास है जब उसके अंदर नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस जीरो हो जाता है तो उसमें जो वाटर होता है नीचे वो वर्टिकली अप सीप करता है सोइल के अंदर, और उसकी वजह से सोइल के अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर वाटर दिखने लगता है उसके अंदर, सोइल में नीचे से वाटर वर्टिकली अपवर्ड सीप करता है, तो उसे हम कहते हैं क्विक सैंड कंडीशन। तो अब देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर ऑफ दिस सॉइल सैंपल। तो देखो इसमें अंदर हमारे पास सैंड है, फिर यहाँ पर वाटर टेबल है, वाटर टेबल ऊपर तो हमारे पास यहाँ ड्राई सैंड है, नीचे हमारे पास यहाँ पर वाटर टेबल आ गई तो ऑब्वियसली हमारे पास सैचुरेटेड सॉइल आ जाएगी। यहाँ पर दो लेयर है जिसमें कि गामा सेट वन और गामा सैचुरेटेड टू की वैल्यू हमारी यूनिट वेट अलग अलग है और हाइट है 3, 2 और 4 मीटर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चार लेयर बन जाएगी, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी और चौथी ये, जिनके ऊपर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस लगने वाला है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा वन हम निकाल लें, तो देखो यहाँ पर कोई लोड नहीं है ऊपर तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तो सिग्मा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सिग्मा टू निकालें तो सिग्मा टू गामा वन मतलब सेंड वन, यहाँ जो है वन की वजह से लगने वाला स्ट्रेस, तो वन डॉट एच वन। तो हाइट कितनी है,
3 और यूनिट वेट कितना है 17, तो 17 थ्री जा 51, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट वेट की कितनी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और इसकी हाइट इंटू एच, तो ये हो गया मीटर, तो यहाँ से ये कट के स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा थ्री की हम ऐसे ही वैल्यू निकालें तो सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 पर लगने वाला, इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से लगेगा, इन दो सॉइल की वजह से लगेगा, सैंड और इस क्ले की वजह से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी गामा वन एच वन प्लस गामा टू एच टू। गामा वन की वैल्यू कितनी है 17 इंटू थ्री प्लस गामा टू की इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 और एच कितना है 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 51 प्लस 40 91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 8.4 निकालते हैं सिग्मा 4 की वैल्यू, तो सिग्मा 4 की वैल्यू 0.4 पर कितनी हो जाएगी ये प्लस ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू थ्री प्लस 20 इंटू टू प्लस 19 इंटू फोर, टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 167 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा निकल गया टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। अब हमें निकालना है पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालेंगे एंड में, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू से ही हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, देखो पोर वाटर प्रेशर होता है इफेक्टिव हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर और प्लस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की तो वैल्यू हमेशा यहाँ पर हमारे पास जीरो ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई एक्सेस वो नहीं लगा हुआ, मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर। तो U1 के लिए देखें तो U1 के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी सैंड हमारे पास यहाँ पर ड्राई है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 पर, ऊपर भी इससे वाटर टेबल है, वाटर टेबल के ऊपर भी यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर भी वाटर सैंड ड्राई है, वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक पोर वाटर प्रेशर है वो भी 0 हो जाएगा। तो U1 इज इक्वल टू 0, U2 इज इक्वल टू 0। अब U3 पर हम निकालेंगे, क्योंकि U3 पर हमारे पास यहाँ पर ऊपर सैचुरेटेड क्ले है, तो U3 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी सिर्फ इसी की आएगी, तो इसका हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर, हाइट कितनी है 2 और यूनिट वेट ऑफ वाटर हम यहाँ पर ले लेंगे 10, तो ये हो गई हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब U4 की वैल्यू निकालें, तो U4 किसकी वजह से आएगा, गामा सैचुरेटेड 1 और गामा सैचुरेटेड 2 की वजह से आएगा, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा गामा सैचुरेटेड 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 H2, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर इन दोनों की, गामा कितना है 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4, वैल्यू क्या आ गई 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पोर वाटर प्रेशर। अब हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी सिग्मा माइनस स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो सिग्मा बार वन इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि टोटल स्ट्रेस भी फर्स्ट पॉइंट पे 0 था और पोर वाटर प्रेशर भी 0 था, तो यह क्या 0। सिग्मा टू कितना हो जाएगा इफेक्ट टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी थी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा थ्री की वैल्यू, सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी जो हमने थर्ड पॉइंट पे निकाला था टोटल स्ट्रेस वो कितना था 91 माइनस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी थी 20, कितना आ जाएगा 71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा फोर, फोर्थ पॉइंट पर कितना था 167 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस हमारे पास पोर वाटर प्रेशर लास्ट पॉइंट पर कितना आया था 60, तो आंसर क्या आ जाएगा 107 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें वैल्यू सारी मिल चुकी है, अब हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टोटल स्ट्रेस का ग्राफ। तो टोटल स्ट्रेस के ग्राफ के लिए पहले तो एक सीधी लाइन डाल दो यहाँ से। अब पॉइंट वन पर वैल्यू कितनी थी 0, पॉइंट टू पर कितनी थी 51, तो 51 के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट थ्री पर कितनी थी 91, तो 91 के लिए ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट फोर्थ पर कितनी आई थी 167, तो ये अब हमने कर दिया पॉइंट फोर के लिए ड्रॉ, वैल्यू लिख दो 51, 91 और 167 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
थर्ड सेकंड हम देखें पोर वाटर प्रेशर के लिए, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ कितनी थी 20 और लास्ट में कितनी थी 60, तो ये हो गई 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गई 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आता है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के ग्राफ के लिए पहली वैल्यू जीरो, दूसरी वैल्यू कितनी थी 51, तीसरी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 71 और लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 107। तो इस तरीके से हमारा तीनों का ग्राफ प्लॉट हो चुका है और यहाँ हमारा खत्म होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इसके आगे आप आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा लोड लगा हुआ हो या आगे और भी कोई कंडीशन हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।